जी क्वेश्चन फाइव, ए कार मूविंग ऑन अ रोड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कार है स्टूडेंट जिसकी वेलोसिटी क्या दी गई है हमें 30। ठीक है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब हमने उस पर ब्रेक्स अप्लाइड की, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। जब हमने ब्रेक्स अप्लाई की उस पर तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, मीन्स के कम हो गई एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ये जो एट अ रेट लिखा हुआ है स्टूडेंट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, ये है एक्सेलरेशन हमें गिवन है। हमें पता है स्टूडेंट के एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दिया गया है एंड एट अ रेट, यहाँ पे ये वाला सेंटेंस यूज़ किया गया है कि एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो एट अ रेट से हमें ये पता चला कि ये क्या है, ये स्टूडेंट एक्सेलरेशन है जो कि किस में है, नेगेटिव में है, क्योंकि मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि वेलोसिटी जब डिक्रीज होगी तो जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास क्या होगा, डी एक्सेलरेशन होगा, मींस के वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है उसका जब वो किस में आएगी, रेस्ट में आएगी, मींस के ये जो हमें वेलोसिटी दी गई थी ये इनिशियल वेलोसिटी थी, और जो हमें फाइनल वेलोसिटी दी गई है स्टूडेंट वो क्या है, वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वो कार किस में आ जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो इसमें जो मेन फोकस का जो पॉइंट था स्टूडेंट वो ये था, एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, लेकिन वो बात उन्होंने यूनिट से नहीं बताई वो, बल्कि हमें यहाँ पे लिख के हमें उन्होंने ये बात दी है, तो आपने इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए इसका डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो डेटा में वी आई क्या है स्टूडेंट इसकी, 30 मीटर पर सेकेंड, वी एफ क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ गया स्टूडेंट, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो गई थी इसकी, यहाँ पे डिक्रीज हो गई थी 30 से 0, यहाँ से भी आप देख सकते हैं और बाकायदा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ वेलोसिटी डिक्रीज। ठीक है, देन हमें डिस्टेंस हमें क्या करना है स्टूडेंट, कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूलाज के लिए स्टूडेंट कौन सा अप्लाई होगा, टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें हमें इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी हमें इसमें ये एस कैलकुलेट करना है, हम इसको एस से भी लिख सकते हैं, हम इसे जी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम यू लिखेंगे, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, एंड ये 2a जो कि एस से मल्टीप्लाई था, यहाँ आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा, s इज इक्वल टू वी एफ क्या है स्टूडेंट, वी एफ है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस वी आई क्या है 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय -6। ये तो स्टूडेंट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 30 का स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ गया 900। ठीक है, डिवाइड बाय -26 12। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो s इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 12, 75 मीटर। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उस कार ने, 75 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 6 है, अ मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है जो कि मूव कर रहा है स्टूडेंट 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। डेटा बनाते हैं इसका, वी आई स्टूडेंट क्या हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड, इट्स गेट एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, देन हमें एक्सेलरेशन गिवन है जो कि क्या है, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
कि एक मोटरसाइकिल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी क्या है 40 मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। टाइम हमें दिया गया है 10 सेकंड में, और हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस वो अगले 10 सेकंड में ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पे VI गिवन है, हमें A गिवन है, हमें T गिवन है, और हमें S कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, S हमें कैलकुलेट करना है। VI 40 है स्टूडेंट, एंड T क्या है स्टूडेंट 10, ठीक है, प्लस 1/2। A की जगह हम लिखेंगे 8, एंड टी की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट 10 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखें 40 को 10 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, 40 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 400 प्लस 1/2। यू लिख सकते हैं स्टूडेंट हम इसको, 10 के स्क्वायर क्या आएगा 100 आ गया स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ देखें 2 1 2 5 10 एंड 0। ठीक है, S इज इक्वल टू 400 प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा 8 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 400। ठीक है, इन दोनों को आप इसमें प्लस किया तो क्या आ गया स्टूडेंट 800 मीटर। मींस के उस मोटरसाइकिल ने 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहते हैं कि एक बॉल है जिसके ऊपर फेंका गया कितनी वेलोसिटी के साथ, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ। तो डेटा बनाते हैं इसका, VI इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 12 मीटर पर सेकेंड। द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ ग्रेविटी। आपको पता है कि सपोज़ ये ज़मीन थी, यहाँ से हमने फेंका उस बॉल को, तो आपको पता है कि एक अट्रैक्शन होती है, एक पुल की फोर्स होती है ज़मीन में। तो उस ज़मीन की जो ग्रेविटी है उसने उस बॉल को वापस अपनी जानिब खींचा और बॉल वापस ज़मीन पे नीचे वापस आ गया, मीन्स कि वो वापस नीचे आ गया। तो VF क्या हो जाएगी स्टूडेंट 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के आने के बाद वो किस में हो जाएगा, वो रेस्ट में ओबियसली हो जाएगा। एंड हमें क्या पता करना है इसमें, ये वही लाइंस लिखी हुई है कि द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन, के बॉल जाएगा ऊपर देन वो स्लो डाउन हो जाएगा और वापस ज़मीन पे आ जाएगा, विल रिटर्न बैक टू अर्थ। फाइंड आउट द टाइम, हमें टाइम कैलकुलेट करना है द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है कि जब बॉल अपनी एक मैक्सिमम हाइट पे चला जाएगा तो वो कौन सा टाइम होगा। ठीक है, अब आपको बताओ होगा स्टूडेंट कि जैसे ही ग्रेविटी का जिक्र आता है कहीं भी, तो हम वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लिखते हैं जो कि क्या होता है स्टूडेंट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखें ये जी जो होगा ये माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बॉल को हम अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहे हैं, हम मींस के ऊपर से नीचे नहीं फेंक रहे हैं, हम उसे नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी। तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी की बात आएगी तो हम यहाँ पे जी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। सिंपल हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है VF इज इक्वल टू VI प्लस, वैसे हम AT यूज़ करते हैं लेकिन जैसे ही बात ग्रेविटी की आएगी स्टूडेंट या हाइट की आएगी तो हम GT लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं हम, तो यहाँ पे VI प्लस में है, यहाँ के स्टूडेंट माइनस में हो जाएगा, डिवाइड बाय T हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये जो जी से मल्टीप्लाई हो रहा है वो इक्वेशन की इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा। इससे पहले भी ये मैं आपको कन्वर्जन बता चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखें VF क्या है 0 माइनस VI क्या है 12 डिवाइड बाय G क्या है माइनस 9.8। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा माइनस ट्वेल्व, क्योंकि ज़ीरो माइनस ट्वेल्व, माइनस ट्वेल्व भी आएगा और माइनस 9.8। अब यहाँ देखें ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। एंड यहाँ देखें अब क्या बचा 12 डिवाइड बाय 9.8, तो ये क्या बचा स्टूडेंट 1.22। तो मींस के उसे 1.22 सेकंड का टाइम लगा मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के लिए। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।